रविवार को शाम के लगभग 7:30 बजे थे। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में यहां पर पूरी तरह भीड़ भाड़ थी, इलाका गुलजार था, लेकिन अचानक तभी गोलियों की आवाज हुई और लोग यहां से भागने लगे। अफरा तफरी का माहौल हो चुका था। यहां पर एक शख्स था जिसने अंधाधुंध फायरिंग की थी, लगभग 10 राउंड फायरिंग हुई थी। इस शूटआउट की घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो जगह है जहां पर पुलिस ने भी देखिए निशान बना रखा है, जहां पर गोलियां गिरी थी। दरअसल एक मुल्ला जी नाम के शख्स थे जो कि यहां पर एक बैटरी वाले से बैटरी लेने आए थे, लेकिन कुछ विवाद हो गया, उसके बाद वो यहां से चले गए, जिसके बाद वो अपने साथ 4-5 लोगों को लेकर के आए। जुबेर नाम का शख्स भी उनके साथ आया और उसके बाद ठीक इस जगह पर पहुंचकर उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जिस शख्स से उनका विवाद हुआ था उसको भी गोली लगी है, 3 लोगों को गोली लगी है। साथ में जो आरोपी जुबेर है वो भी जख्मी हो गया भागने के चक्कर में, हालांकि पुलिस ने उसको बाद में गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में 4 लोग जख्मी हुए, लेकिन जिस तरीके से ये शूटआउट हुआ अपने आप में तमाम सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा करता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में यहाँ पर गोलियां चली हैं, आखिर इतनी हिम्मत अपराधियों की कैसे हुई कि वो 4-5 की संख्या में इकट्ठे होकर के आए और भीड़ भाड़ वाले इलाके में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने जुबेर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, उसके और साथियों की तलाश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।